सब्सक्राइब कीजिए निर्मला की रसोई और बाग बगीचा चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए चटपटे नींबू के अचार की रेसिपी लेकर आई हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नींबू का अचार चटपटा और स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे अगर हमारे पेट में तकलीफ होती है, गैस बनता है, बदहजमी अपच हो जाती है, या जी मिचली होती है, उल्टी आती है, तो ऐसे में हम थोड़ा सा नींबू का अचार चखते हैं तो ये हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है। और साथ ही साथ ये नींबू का अचार जितना ही पुराना होता जाता है उतना ही अधिक स्वादिष्ट होता है और ये खराब भी नहीं होता है कभी। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 5 नींबू ले लिए हैं। नींबूओं को हमने पहले धो करके अच्छी तरह से पोंछ करके सुखा लिए हैं और फिर हम नींबूओं को काटना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे नींबू नॉर्मल कॉमन नींबू से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत बड़े वाले नींबू हैं। तो इसमें हमारे एक नींबू से 10-12 टुकड़े आराम से हो जा रहे हैं और नींबू के ऊपर और नीचे का जो डंठल वाला हिस्सा होता है वो भी हम काट के निकाल देते हैं। और फिर नींबू को इस तरह से हम 2 भागों में काट कर फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। तो छोटे टुकड़े बनाने से ये भी फायदा होता है दोस्तों कि जैसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है उसे नींबू देना होता है अचार, तो हम उसे एक छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं तो नींबू हम का अचार हमारा वेस्ट नहीं होता है, सारा का आराम से यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे नींबूओं को काट लेते हैं और उसके बाद हम एक नींबू बचा ले लिए हैं कि उसका हम रस इसमें निचोड़ लेंगे और बाकी सारे नींबू काट लेंगे। इस तरह हम आप देखिए सारे नींबू काट लिए हैं और जो उसके बीज निकल रहे हैं वो बीज को हम निकाल के बाहर फेंक देंगे अलग। तो हमने सारा नींबू बाउल में ले लिया है और यहाँ पर हमने 6 चम्मच सेंधा नमक का प्रयोग किया है, 2 चम्मच बड़ा चम्मच हमने हल्दी पाउडर यूज़ किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि नींबू में नमक और हल्दी की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो अब हम इसमें एक नींबू बचाए थे उसको हम निचोड़ लेंगे और इसे हमने पूरी तरह से नहीं निचोड़ा है और इसको भी हम इसी में अचार में ही डाल देंगे, ये भी अचार बन जाएगा इसका भी। तो इसको नींबू के रस को मिलाने के बाद हम इसे वापस मिक्स कर देंगे ताकि नींबू के में सारे रस नींबू का एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने अपने सारे नींबूओं को मिक्स कर लिया है अच्छे से और हम इसे ढक करके साइड में रख देते हैं और अपने नींबू के अचार में बनाने के लिए मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च ली है और 2 चम्मच जीरा का लिया है और 2 चम्मच अजवाइन ली हैं और बस हमें ये 3 मसाले ही चाहिए। तो हम इसे हल्का सा गरम कर लेंगे, बस हल्का ही गरम करना है, इसमें थोड़ा सा गरम करने से हल्की खुशबू आ जाएगी। तो हमारा मसाला अब भुन चुका है तो हम गैस बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे क्योंकि पैन गरम है तो मसाले जल सकते हैं, इसलिए हम थोड़ी देर इसे अब चला लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार ले लिए हैं, उसमें डाल के इसे हम हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है दोस्तों, तो अब हम इसे नींबू में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल मेडिकल पर्पस से ये नींबू का अचार बनाया गया है जिससे हमारे पेट की तकलीफ़ों और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इस यहाँ पे हम थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से अचार का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून काला नमक डाल रहे हैं, काला नमक से
बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा अचार का, और साथ में ये फायदेमंद भी होता है। तो हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है नींबू के अचार में। तो दोस्तों, हमारा नींबू का अचार बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है, तो इसे हम एक कांच का जार लेंगे। अगर कांच का जार नहीं हो आपके पास तो आप प्लास्टिक के डब्बे में भी भर सकते हैं, लेकिन उसे धूप में सुखा लीजिएगा। सबसे पहले अच्छी तरह से उसे गर्म पानी से धो के फिर धूप में अच्छे से सुखा लीजिएगा, और फिर उसमें ये नींबू का अचार भर करके इसे हम 15 दिन तक धूप में रखेंगे। उसके बाद ये अचार हमारा खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा अचार पुराना होता जाएगा वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। आप नींबू के अचार को पूड़ी पराठे या किसी भी खाने के साथ खाएंगे तो आपके भोजन का स्वाद दोगुना हो जाएगा। दोस्तों, यह अचार को भरते समय बिल्कुल दबा दबा के टाइटली भरना है ताकि बीच में हवा ना रहे, इससे हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बगल में दी हुई लेटेस्ट वीडियो को जरूर देखिए।